हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप गूगल पे चलाते हैं और ऐसे में आपके फ़ोन में गूगल पे काम सही से नहीं कर पा रहा है तो उसे आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप पैसे भेज रहे हैं तो आपके पैसे नहीं जा रहे हैं, या फिर आपका बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर लिंक नहीं हो रहा है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ में अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो कोई एरर आ रहा है, तो इन सारी प्रॉब्लम को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो कई बार मेरे सामने यहाँ पर आ चुकी है, और जो ट्रिक मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ उस ट्रिक को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका भी गूगल पे अच्छी तरीके से वर्क करने लगेगा। तो चलिए वो ट्रिक कौन सी है, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया तो वीडियोस को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसे यहां पर अपने फोन से आपको सबसे पहले तो यह देख लेना है कि आपके फ़ोन में ये अपडेट तो नहीं मांग रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये अपडेट नहीं मांग रहा है, ठीक है। और मैं इसे यहाँ पर यूज कर रहा था पर यहाँ पर ये यूज ढंग से नहीं हो पा रहा है। जैसे कि पेमेंट कर रहा था तो एरर आ रहा था, इसी के साथ में मेरा गूगल पे में जो अकाउंट है वो यहाँ पर ऐड नहीं हो रहा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम एक मिनट के लिए यहाँ पर प्रेस करेंगे और उसके बाद में हमें ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद में हमें मिल जाएगा स्टोरेज का ऑप्शन, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें मिलेगा क्लियर, ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लियर स्टोरेज, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे, डिलीट कर देंगे। उसके बाद में हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद में अब जो गूगल पे है वो हमारा अपडेट तो मांग नहीं रहा है, तो कहने का मतलब है अब गूगल पे पर हम जो भी काम करेंगे बिल्कुल नए सिरे से करेंगे, ठीक है। यानी कि नए सिरे से हम इसमें लॉगिन करेंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले जो हमारी पहले ईमेल आईडी थी वो ईमेल आईडी को हम यहाँ से हटा देंगे और दूसरी ईमेल आईडी को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो वो किस तरीके से लगाएंगे, किस तरीके से हमें इसमें लॉगिन करना है वो चलिए हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पे को यहाँ पर सिंपली ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल पे में वो नंबर डालेंगे जो हमारे बैंक खाते से जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम गूगल पे में वो नंबर डाल देते हैं और कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आप ऊपर में देख पा रहे हैं हमारी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यहां पर देखने को मिल रहा है, पर मैंने इसे ब्लर कर दिया है, ठीक है। तो हम इस आइकन पर सिंपली क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को चेंज कर लेंगे। अगर आपकी एक ही ईमेल आईडी है तो आप दूसरी ईमेल आईडी को बना लें। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को चेंज कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने अपनी ईमेल आईडी चेंज कर ली है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करेंगे। अब जो हमारा मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई होगा बैंक से जाकर, ठीक है। तो देख पा रहे हैं मैसेज आ चुका है, ऑटोमेटो यहाँ पर ओटीपी भी वेरीफाइड हो गया है। अब आप देख पा रहे हैं जो हमारा अकाउंट है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल गया है, ठीक है। तो चलिए हम यस पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। इतना करने के बाद आपके सामने कुछ देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा और आपको यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहां पर अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूं और कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर देंगे। परमिशंस को हम अलाउ कर देंगे। उसके बाद में कौन से नंबर से आपका बैंक खाता जुड़ा हुआ है वो आप यहां पर नंबर सिलेक्ट करेंगे, और वो सिम कौन सी है, ठीक है, वो भी आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद में हम कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर देते हैं, परमिशंस को अलाउ कर देंगे। इस तरीके से आप अपना बैंक अकाउंट को यहां पर ऐड कर लेंगे। देख सकते हैं जो हमारा बैंक अकाउंट है वो यहां पर ऐड हो चुका है। उसके बाद में कंटिन्यू पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप 24 घंटे तक सिर्फ 5000 रुपये ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं गूगल पे से, ठीक है। और उसके बाद में आपकी जो भी बैंक की लिमिट होगी आप उतने ही पैसे ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, पर 24 घंटे तक आप यहाँ पर 5000 ही कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर गूगल पे से आप पैसा भी भेज सकते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पर UPI पिन डालने का ऑप्शन आ चुका है, तो उसके बाद में मैं यहाँ पर अपना UPI पिन एंटर कर देता हूँ
और हम यस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यस पर सिंपली क्लिक कर देंगे तो हमारे बैंक अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर पैसे को ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद में हम चलिए बैलेंस भी ट्रांजैक्शन करके देख लेते हैं कि यहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पर सेल्फ ट्रांजैक्शन पर सिंपली क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर 100 रुपये यहाँ पर ट्रांजैक्शन करके देख लेता हूँ, ठीक है। और ट्रांजैक्शन नाउ, उसके बाद में हम यहाँ पर UPI पिन एंटर कर देंगे। जैसे ही हम UPI पिन एंटर डालकर यस पर सिंपली क्लिक कर देते हैं तो जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने गूगल पे की जो प्रॉब्लम है वो ठीक कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई सवाल है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ में अगर जिन लोगों को सर्वर से रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो उन्हें यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में जो कि सर्वर हैं वो ठीक हो जाएंगे तो आपका गूगल पे सही तरीके से ऑटोमेटो ही काम करने लगेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।